आईटी जेम पेपर 2005 पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पर देखो सवाल, इसने कुछ डायग्राम भी दे रखा था, वैसे वो डायग्राम मैंने दिया नहीं है, यहाँ पर डायग्राम भी बना देता हूँ, ध्यान से देख लो और उसके बाद में घर पे करना आराम से, अभी देखना है समझना है ठीक है और घर पे करना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके का एक पेपर है अपने पास में, क्वेश्चन है तो इसने ओ ए दे रखा है, ये वाला यहाँ से ओ से लेकर ए दे रखा है और स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये बी दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये डायरेक्ट दे रखा है ठीक है, बी डी तो ऐसा कुछ बोला है कि ऐसे कुछ वर्क डन निकालो आप ठीक है। तो अच्छा सवाल है वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होता तब तो अपने को ओ से डी तक अलग अलग जाना पड़ता, अब ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है तो आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। देखिए इस पाथ पर जाने की जरूरत नहीं है, ओ ए पाथ, ए बी पाथ और बी डी पाथ पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा भी आप निकाल सकते हो क्योंकि रिजल्ट तो एक ही आएगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि कर्ल बराबर इसका जीरो आ रहा है, कर्ल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ठीक है। तो आप एक ही, अब ये पॉइंट जो आपको दे रखा है वो 110 दे रखा है, 110 दे रखा है, ये 00 पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 00 पॉइंट दे रखा है और ये 110 पॉइंट दे रखा है आपको, इस तरीके का एक सवाल है आपके पास में ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि सबसे पहले आप कंसीडर ए कॉन्स्टेंट वेक्टर फील्ड वी बराबर समथिंग कुछ दे रखा है, फाइंड एनी वन ऑफ द मैनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर यू, कर्ल ऑफ यू बराबर वी दे रखा है ठीक है, यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम इवेल्यूट द फ्लक्स एसोसिएट विद द फील्ड, ये सवाल थोड़ा है, एक मिनट रुको, ये तो कर लिया था अपने, कर लिया था ना, 18 का सवाल था ये था, कर लो वो वाला भी बहुत अच्छा सवाल है, वो कर लिया था अपन ने, ये वाला सवाल है सॉरी भाई ठीक है, ये है आपके पास माल। देखिए यहाँ पर तो मैं अगर सबसे पहले कह रहा हूँ डिटरमाइन द एफर्ट्स कैलकुलेट द वर्क डन पूछा है, कि ये कह रहा है कि भाई कि ओ ए बी डी पाथ के लिए निकालो और ओ डी पाथ के लिए निकालो, ये इसने ऐसा बोला है कि वर्क डन निकालो आप ठीक है। तो अपन अब आज आजकल ऑब्जेक्टिव आने लग गया है पेपर, तो इसलिए ये तो आना नहीं है, सवाल बड़ा तो आएगा नहीं, सिंपल आएगा, सवाल पूरा यही का यही हो सकता है क्योंकि अब शॉर्ट स्वीट तरीके बताने। तो सबसे पहले कर लो पे एफ निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, कर लो एफ निकाल लो, जो कि कर लो पे एफ निकाल लिया मैंने, जीरो आ रहा है ठीक है। तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डॉट डी एल वेक्टर कर्व एनी पाथ इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ और डॉट डी एल, और यही आपकी क्या होती है डेफिनेशन वर्क डन की होती है ठीक है। इसका मतलब वर्क डन कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है ठीक है, दैट इज लाइन इंटीग्रल जीरो आ रहा है, क्लोज पाथ जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव पाथ है, ये कैसा पाथ है, कंजर्वेटिव पाथ है, ये कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर डिफाइंड पाथ है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड है ठीक है। वर्क डन जीरो का मतलब, वर्क डन जीरो मतलब वर्क डन पूछा है वो जीरो नहीं है, लाइन इंटीग्रल जीरो है, मतलब अगर आप ओ से ए जाएं, ए से बी जाएं, बी से डी जाएं और सीधा ओडी तक जाएं तो जीरो आएगा ठीक है, तो सीधा ओडी तक चले जाते हैं ठीक है, सीधा ओडी तक जाएंगे तो इसका मतलब आपको सिंपल कैलकुलेट करना है बच्चों यहाँ से ठीक है, एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल निकालना है, सिंपल बात है ये ठीक है। और अपन ओडी पाथ के लिए जाएंगे, क्योंकि तो अगर ओडी पाथ के लिए जाएंगे, ओ ए पाथ के लिए जाएंगे, ए बी पाथ के लिए जाएंगे, बी डी पाथ के लिए जाएंगे, तो बात एक ही है, सीधे ही चले जाओ, इससे अच्छा है ओडी पाथ तक चले जाते हैं ठीक है। तो आपको कर्ल तो दे रख, एफ तो दे रखा है, डीएल क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर जो पॉइंट है इनका क्या दे रखा है इन्होंने, जीरो 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 है, ये पॉइंट जीरो 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 है, ये क्या है, वन वन है ठीक है। इसका मतलब दो चीजें वेरी कर रही है यहाँ पर, दो चीजें क्या कर रही है, वेरी कर रही है, एक पॉइंट एक्स हो गया जीरो जीरो और जीरो हो गया, और एक पॉइंट क्या हो गया एक्स वन वाई वन और जेड वन ले लो, एक्स वन ये चीज ध्यान रखना ठीक है, एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, दो चीजें वेरी कर रहा है और लाइन इंटीग्रल पूछ रहा है, तो इसका मतलब लाइन का इक्वेशन निकाल लो आप ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने का सीधा तरीका एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है, एक्स तो ये ठीक है और वाई माइनस वाई वन और अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, क्योंकि जेड तो इसने जीरो दे रखा है ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स वन कितना हो गया, जीरो हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन कितना हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया ठीक है, और वाई माइनस वाई वन कितना हो गया, जीरो हो गया ठीक है, और y2 माइनस y1 कितना हो गया, वन हो गया।
ठीक है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई है, इसका मतलब कितना है? तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन मैंने बताया है नॉर्मली, कई बार कंफ्यूज हो जाओ तो एक्स इक्वल टू वाई भी दिख रहा है, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई है, इसका मतलब ये हो गया आप कोई भी एक के अंदर आप क्या लगा लो, लाइन इंटीग्रल लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इस तरीके के एग्जाम में सवाल करो तो सीधा करना बच्चों। ठीक है, 0 to 1 लिमिट लगा लो के, और ये कर दो सीधा 2y² कर देता हूँ मैं, 2y² × dy कर दिया मैंने यहाँ पर। देखिए देखो एक्स इक्वल टू वाई रखा मैंने, ठीक है, तो ये क्या आ गया के, और 2 × x² कर देता हूँ, और × dx आएगा, और प्लस 2xy × dy आएगा। मैंने यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई रख दिया है, वाई की जगह, अब यहाँ पर सब की जगह रख दो, अब एक में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो के इंटू और 2x² × dx प्लस 2x² कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, 0 to 1। इसका मतलब ये हो गया 4x² कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, 0 to 1। इसका मतलब हो जाएगा 4/3 आ जाएगा, 4k/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो वर्कडन कितना आ जाएगा, 4k/3 आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, पूरा सवाल यही, अच्छा सवाल है। ठीक है, यूनिट जो भी है, जूल है तो जूल कर देना। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि ए रोड इज मूविंग विथ ए स्पीड 0.4। देखिए एक रोड है और वो क्या कर रही है, 0.4 से मूव कर रही है। एक रोड है वो कितनी से कर रही है, 0.4 c से कर रही है, अलोंग इट्स लेंथ अक्स डायरेक्शन एन ए मूविंग पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन विथ ए स्पीड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये रोड, ये तो रोड मूव कर रही है, और ये रोड की लंबाई भी दे रखी है इन्होंने, ये रोड देख लो बच्चों, और 3.6 मीटर दे रखी है, बट एस फ्रेम से दे रखी है, बट कहाँ से दे रखी है, एस फ्रेम से दे रखी है। ये देखिए, द लेंथ ऑफ द रोड इज मेजर्ड इन एस फ्रेम इज 3.6 मीटर, एस फ्रेम में 3.6 मीटर दे रखा है आपको, बराबर। और एक जो पार्टिकल जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है आपको 0.8 c वेग से कर रहा है, और उल्टा कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर रहा है, और ए ठीक है, ये सब मामला सही है इसका, और ए मेजर्ड इन द एस फ्रेम, एस फ्रेम से जो मेजर्ड होती है वो बच्चों कॉन्ट्रेक्टेड फ्रेम होती है, ये पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है। आई बात समझ में यहाँ पर? अब देखो बहुत सिंपल सवाल है, पहली बात तो ठीक है, दो चीजें तो आपको पता ही होगी कहाँ से क्या करना होता है, पता है ना, एस फ्रेम को हमेशा लेफ्ट फ्रेम भी बोला जाता है। ठीक है, एस फ्रेम को क्या बोला जाता है, लेफ्ट फ्रेम भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रोड, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रोड, ठीक है, इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम से निकालो आप, पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम से पूछ रहा है तो बच्चों इसके ऊपर बैठ जाओ, पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम से पूछ रहा है तो इसके क्या कर दो, ऊपर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आप, अगर इसके आप ऊपर बैठ जाओगे। ठीक है, तो पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी तो कहीं पर भी बैठ के निकाल सकते हैं, वैसे तो पहले ऊपर बैठे बैठे निकाल देते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी यू एक्स डे इज इक्वल टू, रिलेटिव वेलोसिटी यू एक्स डे इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी और 1 - u(x)v/c². ठीक है, इधर ध्यान, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो यू एक्स क्या है आपको, देखो एक चीज ये ध्यान रखो, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बाकी सारा दिमाग घर पे करना है, और वो भी कल सुबह करना है, तो अगर रटा है तो वैसे ही भूल जाओगे कल सुबह तक, ठीक है, फ्रेश हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो देखो यू एक्स माइनस वी, तो आपको पता है यू एक्स क्या हो जाएगा, 0.4 c, और जिसके ऊपर चढ़े हुए हो वो माइनस हो जाएगा, प्लस 0.8 c, और डिवाइडेड बाई 1 + 0.8 × 0.4, ऐसा कुछ सही किया, यहाँ तक ठीक है मामला, तो यू एक्स डेस निकल गया। ठीक है, तो आपका आंसर तो जो भी आएगा देख लेना। ठीक है, अब कह रहा है, ये तो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी निकली है बच्चों, अब कह रहा है यहाँ से आप क्या निकालो, टाइम निकालो। ठीक है, कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रोड इन द, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी तो अपन ने निकाल दी। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल, फॉर द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू द, टू क्रॉस द रोड इन एस फ्रेम, टू क्रॉस द रोड इन एस फ्रेम, टू क्रॉस द रोड इन एस फ्रेम, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू क्रॉस द रोड इन द एस फ्रेम, एस फ्रेम के अंदर, समझ में आ गया, काल बराबर दूरी बटा समय, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू, बोलो तो
इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाए, स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, ठीक है जो भी आएगी। ठीक है, अब कहां से पूछा, एस फ्रेम से ही तो पूछा है इससे, और एस फ्रेम में अपने को दे रखा है 3.6 ही तो दे रखा है, तो 3.6 में अपन क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, यूएसडी का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहां तक देखिए बच्चों, यहां तक हो गया है काम अपना। अगला देखिए, दूसरी बात कह रहा है कि फाइंड द टाइम एंड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द रोड, और कह रहा है इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द रोड। ये देखिए, ये और अच्छा सवाल है, इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द रोड, रोड की रेस्ट फ्रेम में निकालिए। तो बच्चों रोड की रेस्ट फ्रेम के अंदर आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एल बराबर एल नॉट इनटू टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रोड की रेस्ट फ्रेम में एल नॉट निकालना पड़ेगा, आपको एल पता है, आपको क्या पता है, एल पता है, तो ये हो जाएगा 3.6 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर का अंडररूट हो जाएगा, इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 पॉइंट ये जो एल है और उसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का भाग दे दो तो टाइम टेकन आ जाएगा। ठीक है, इस एल के अंदर क्या कर दोगे, रिलेटिव वेलोसिटी का भाग दे दीजिए तो टाइम टेकन आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला बात क्या कह रहा है बच्चों, अगला कह रहा है कि टाइम टेकन बाई द रोड टू क्रॉस द पार्टिकल इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल, टाइम टेकन बाई द रोड, रोड के द्वारा, ठीक है, टाइम टेकन बाई द रोड, ठीक है, रोड के द्वारा इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की रेस्ट फ्रेम में देखना है। अब देखो यहाँ पर ये रोड है 0.4 सी से कर रही है, ये 0.8 सी से कर रहा है, ये पार्टिकल है, और यहाँ इसकी फ्रेम में, इसका मतलब ये क्या निकालेगा कि अब देखो वहां पर एस फ्रेम से मेजर्ड थी वो, तो अब यहाँ पर क्या निकालेगा, बैठे बैठे एल निकालेगा, ये लेंथ निकालेगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय तो निकालना है, तो एल डेस कह दो अब की बात, यूएक्स डेस तो ठीक है, समझ आगे, यूएक्स डेस को तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, वो तो यहीं से ही निकालना है। ठीक है, अब देखो एल डेस निकालेगा, ये एल डेस, एक तो देखो आपके पास में क्या है, वो वाला एल, वो वाला एल, ठीक है, नॉट ए एस फ्रेम से, एस फ्रेम से नहीं अब की बात, एक तो इसका एल वो आपको प्रॉपर निकालना है, ये देखो ये रहा, देखिए यहाँ पर आपका ये था, ये आपने एल नोट निकाला ना यहाँ से, सॉरी यहाँ से एल नोट, ये एल नोट है आपका, तो ये एल नोट में क्या करना है आपको, यहाँ निकालना है, ठीक है, और उसको भी क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एल नोट ये वाला आएगा और रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, रिलेटिव वेलोसिटी का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 माइनस यू एक्स डे स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यू एक्स डे साइड, ये सवाल ऐसा हो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये अच्छा सवाल है, कर लेना कैलकुलेशन भाई, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, अब ये इस तरीके की चीजें थी, और तो अगर आपको आंसर तो पता ही होगा वैसे, ठीक है, कर लोगे ये ध्यान, ये सवाल बोला है बच्चों, बस मैं तो नॉर्मली आपको आइडिया दूंगा, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, तो देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एनर्जी ई इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, डायमेंशनल एक्स इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पोटेंशियल स्टेप का सवाल है ये, वैसे तो बहुत सिंपल सवाल है वैसे। ठीक है, फाइंड द रेशियो बी अपॉन ए बताओ, ठीक है, इफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई एक्स इज लेस देन 0, ये देखिए इस तरीके का एक सवाल है, सुन लो बात ध्यान से, ये देखिए ये एक्स इक्वल टू 0 का सवाल है, और ये फर्स्ट रीजन है, और ये आपका क्या है सेकंड रीजन है, और यहाँ वी नॉट है, अब बोल रखा है अपने को, ठीक है, क्या बोल रखा है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि ये आपका जो वेव फंक्शन है वो कितना है, ए की पावर आइटा के एक्स आई फर्स्ट बराबर आपको दे रखा है, ए की पावर आइटा के एक्स, और बी की पावर कितना दे रखा है, माइनस आइटा के एक्स दे रखा है ना। अब कह रहा है कि इफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एक्स इज लेस देन 0 इज गिवन बाय ये, फाइंड द रेशियो बी अपॉन ए, ठीक है, और ए पार्टिकल ऑफ मास एनर्जी मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एनकाउंटर ए वन डायमेंशनल बॉक्स समथिंग, कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर देखो बी अपॉन ए का वैल्यू भी दे रखा है, ई अपॉन बी ए, ट्रांसमिशन कोफिशियंट और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट दोनों को बताना है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल की हाइट है, तो अब आपको पता है कि ई ग्रेटर देन बी हो और एक ई लेस देन बी हो, ठीक है,
ई ग्रेटर देन बी, यहां पर चर्चा नहीं कर रखी गई ई ग्रेटर देन बी और लेस देन बी की, है क्या कह रहे हो? हाँ ये रहा, दे रखा है, मैं ढूंढ रहा था, ये रहा ई ग्रेटर देन बी नॉट दे रखा है, इसका मतलब ई ग्रेटर देन बी नॉट होगा। देखो 1 ही मिनट का सवाल है ये, ई ग्रेटर देन बी नॉट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 60 सेकंड भी क्या आएगा अपना, सी की पावर आइटा और के एक्स आएगा, डी की पावर माइनस आइटा के एक्स होगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ई ग्रेटर देन बी होते ही अपना क्या आ जाएगा, इमेजनरी वेव फंक्शन आएगा, ठीक है, क्या आएगा? इमेजनरी वेव फंक्शन आएगा, तो रियल तो आना नहीं है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो डी की पावर माइनस आइटा के एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया, इसका मतलब साई इंसिडेंट क्या हो गया बच्चों? साई इंसिडेंट बराबर ए ई की पावर आइटा के एक्स आ गया, साई रिफ्लेक्टेड कितना आ गया, बी की पावर माइनस आइटा के एक्स आ गया, और साई ट्रांसमिटेड क्या आ गया, डी की पावर आइटा के एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर ई लेस देन बी के अंदर पूछता ना सवाल, वो तो आप समझते हो, ठीक है, ई लेस देन वी नॉट के अंदर अगर पूछता तो साई सेकंड का वैल्यू क्या आ जाता, ठीक है, डी की पावर माइनस अल्फा एक्स आ जाता, ये कई बार पूछते हैं, अब की बार ये पूछ सकते हैं, तो पी साई सेकंड के अंदर स्क्वायर कर देना, पी साई सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ साई सेकंड बराबर डी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे कुछ सवाल पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो वो पूछेगा कि आर प्लस टी बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर सीधा ही हो गया ट्रांसमिशन का वैल्यू तो जीरो हो गया रियल वेव फंक्शन के लिए, तो आर बराबर वन ऐसा कुछ आएगा, तो ये ध्यान रख लेना, सीधा सवाल आएगा यहाँ से, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है, यहाँ से तो अलग ही चीज है, ठीक है। अब ठीक है, हो गया सवाल, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ज्यादा इसके अंदर पंचायती करने की मेरे हिसाब से तो ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बी अपॉन ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, बी अपॉन ए का वैल्यू पूछा है, तो कंडीशन कुछ लगानी होती है, पहले कभी आया करता था एक जमाने में, ठीक है, तो आपको तो ज्यादा अपनी वाली कोचिंग वाले बच्चों को तो कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है इसकी भी, तो अल्फा माइनस के अपॉन अल्फा प्लस के का मोड स्क्वायर है, इसका मतलब यही तो है, ठीक है, इतना ही तो पूछा है, और टी बराबर कितना है, 4 अल्फा के अपॉन अल्फा प्लस के का होल स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा बराबर कितना है बच्चों, 2 mr e - v0 है अपॉन एच कट स्क्वायर एंड रूट ऑफ, और के बराबर कितना है, 2 me/h² है का अंडर रूट है, बस यही तो सवाल है, तो यहाँ से बी अपॉन ए वैल्यू निकल गया, तो आर बराबर कितना होता है, बी अपॉन ए का मॉड स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब बी अपॉन ए का वैल्यू अल्फा माइनस के अपॉन अल्फा प्लस के है, समझ आ गया। अब कह रहा है बी अपॉन ए का वैल्यू 0.4 है, ठीक है, तो 0.4 रख दो, ई और बी का वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा और के का वैल्यू पुट कर दो, ट्रांसमिशन कोफिशियंट तो निकाल ही रखा है, ये रहा इतना तो सवाल, समझ आया यहाँ तक, इतना ध्यान रखो, हो गया सवाल, ये भी आप आराम से करना, कोई किताब को देखने की जरूरत नहीं है, अपने स्तर पे करो, अपनी चीजें करो, ठीक है, कोई बुक्स ने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा वो छोड़ो, आप समझ में आ गया, ये आप अच्छी बाइंडिंग के अंदर पेपर निकाल लो, आपका मुद्दा 5 दिन के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, पेपर सोल्व करने, बढ़िया कॉन्फिडेंस देखो उसके बाद मजा आ जाएगा। देखिए अभी अपना डेराइव करना मुद्दा नहीं है वैसे तो, ठीक है, ये DU आपको दे रखा है और DU बराबर TdS माइनस PdV होता है, ये रिलेशन रखना है, ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द स्पेसिफिक हीट इज टेकन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ऐसा कुछ बोल रखा है, वान डर वाल गैस इक्वेशन ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द आइडियल गैस, तो इसका मतलब रियल गैस और आइडियल गैस वाले से सवाल है और इसके अंदर वैल्यू पुट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, यू इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी है, इसका मतलब टोटल डेरिवेटिव पूछा है इसने, तो डेल यू अपॉन डेल्टा टी इंटू डी टी और प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा वी और इंटू कितना हो जाएगा डी वी, ठीक है, आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डी यू बराबर कितना दे रखा है, टी डी एस माइनस पी डी वी है, रिलेशन रख दीजिए, ठीक है, तो डी यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको सी वी डी टी लिख दीजिए, ठीक है, तो अब ये इक्वेशन आ जाएगा, थोड़ा सा ये वाला रिलेशन पुट कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, डेल यू अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, एक तरीके से तो डी यू बराबर आ गया सी वी डी टी और माइनस टी और डेल पी अपॉन डेल्टा टी वॉल्यूम, ये भाई याद ही रख लेना, एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, अब आपको पूछा है, ठीक अच्छा देखो कोई मंत आया था ना, तू हिल रहा है ये कौन सा है, अच्छा ये तो वो है, अच्छा देखिए सुनिए मेरी बात,
पर, तो यहाँ पर ये हो गया। अब पीवी बराबर एनआरटी लगा दीजिए और दो इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आइडियल केस के लिए तो पीवी बराबर आरटी लगा दीजिए, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन याद रख लो तो मेरे को ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ एक बार इसका सॉल्यूशन, ठीक है। डी यू बराबर सी वी डी टी, टी ये आ ही गया। तो आइडियल केस के लिए क्या करोगे? फॉर आइडियल केस, और आइडियल केस के लिए पी वी बराबर कितना हो जाएगा? आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो तो, और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल या डी यू बराबर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी वी टी एफ माइनस टी वी टी आई आ जाएगा, आ जाएगा ना। एक तो ये आ जाएगा, और वांडरवाल के इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। कई बार ये देखना, देखो सुनो एक बात यहाँ से, पी प्लस ए ये बी माइनस बी और इक्वल टू एन आर टी होता है ना, ठीक है, एन आर टी होता है ना। अब देखो यहाँ पर ये कई बार ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। बी का डायमेंशन क्या होगा? तो मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या जाएगी? और यहाँ से ये कर दिया करो, अलग अलग कर दिया करो, तो ये क्या रखेगा? ए अपॉन बी स्क्वायर बराबर पी कर देना, ठीक है। तो ये स्मॉल ए का वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब स्मॉल ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? पी बी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बी की क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी, ठीक है। अगर ये पूछे, अगर आपको टी आर की डायमेंशन पूछ ले, आर की डायमेंशन क्या होगी? तो ए और बी को जीरो कर दो, ए और बी को क्या कर दो? जीरो कर दो, वो आर की डायमेंशन आ जाएगी। ये सवाल इस तरीके का आता है, ठीक है। तो आपके पास में तीन कॉन्स्टेंट है तो दो को जीरो करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे ए की डायमेंशन पूछी है तो बी और आर को जीरो कर दो, जैसे आपको बी की पूछी है तो आर और ए को जीरो कर दो, जैसे आपको आर पूछा है तो क्या कर दो? ए और बी को जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके के हैं, तो ध्यान देख लेना। और इसका कितना आ जाएगा वंडरवाल के इस इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा यू है, ये याद कर लेना, सीधा आएगा सवाल यहाँ से, अब छोटा सा कोई, ठीक है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू सी वी टी फाइनल माइनस पी इनिशियल और माइनस ए और वन अपॉन बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है। ये समझ में आ गया मेरी बात को? ये वंडरवाल के लिए और ये इसके लिए, ये सवाल आएगा, ठीक है, ध्यान कर लेना। हाँ अगला देखिए, ये तो आ जाएगा सवाल, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको कोई करना जरूरी थोड़ी ना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे ये कर लोगे ना, ठीक है, इसको कर लेना, ये तो सिंपल सवाल है, ठीक है। इसका आंसर सी बराबर 9/2 आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है, इसको सॉल्व करना है वैसे आपको, तो ये कर ही लेना। अब देखिए आगे एक अच्छा सवाल है, वो देखिए, ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ये पक्का सवाल है, ये ध्यान से कर लेना बस इस पेपर के अंदर, कि ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग ऑफ विड्थ 2 सेंटीमीटर इज फाउंड दैट 30 डिग्री एनथ ऑर्डर डिफ्रेक्शन मैक्सिमा लेमडा 1 इक्वल टू सुपर पोज ऑन द एन प्लस 1 लेमडा 2। इसका मतलब आपको क्या हुआ है? सुपर इम्पोज हुआ है। पहली बात तो आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है एन ई प्लस बी दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? ये देखो ध्यान से, एन ई प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग, ठीक है। अरे विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग कितना दे रखा है? अब इसका मतलब ये हो गया कि कभी ये सवाल आएगा आपके, आपके आएगा ई प्लस बी, तो ई प्लस बी में टोटल नंबर ऑफ लाइंस का क्या कर देना? भाग दे देना। अब यहाँ से जरूर सवाल पूछेगा, ठीक है, एक तो बात ये समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है अपने को ई प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब दो अलग अलग बातों बात कर रहा है ये, एक तो हो गया ई प्लस बी और साइन थीटा 1 बराबर एन 1 इंटू लेमडा 1 कर दूँ, और एक क्या कह दूँ? ई प्लस बी इंटू और साइन थीटा 2 बराबर क्या कर दूँ? एन 1 प्लस 1 इंटू लेमडा 2 कर दूँ, ऐसे कर दूँ। अरे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना, तो इसको एन 1 ना कह के तो एन कह दो चाहिए, की बात एन कह दिया मैंने, एन प्लस 1 है ये, क्योंकि सुपर इम्पोज हो रहे हैं, समझ में आ गया क्या? तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा 1 और थीटा 2 के दोनों की वैल्यू 30 डिग्री 30 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ई प्लस बी, ये तो छोड़ो, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? साइन 30 इक्वल टू एन लेमडा 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 लेमडा 2, ऐसा कुछ आ गया। आपको लेमडा 1 लेमडा 2 का वैल्यू दे रखा है, 5000 और 4000 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब एन का वैल्यू आ गया यहाँ से, तो एन का वैल्यू 4 आ गया,
एन का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 4 आया। ये पहला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। पहली बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का सवाल है, यहाँ से पूछेगा या तो नंबर ऑफ लाइन पूछेगा या ई प्लस बी पूछेगा। तो एन ई प्लस बी बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ई प्लस बी बराबर 2 सेंटीमीटर टोटल नंबर ऑफ लाइन कर लेना। यहाँ से सुपर इम्पोज हुए हैं तो ई प्लस बी साइन थीटा 1 बराबर ये कर लेना, ठीक है। एंगल दे रखा है एन बराबर 4 आ। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा आपको कह रहा है जब एन बराबर 4 आ गया तो अपना क्या आ जाएगा अबे, ठीक है, एन प्लस ई प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लेमडा होता है। अरे समझ गए क्या? तो इसका मतलब अपना ये भी आ जाएगा ई प्लस बी और साइन थीटा 1 बराबर एन इंटू लेमडा 1 कह देता हूँ। अब एन तो आपके पास में आ ही गया, ई प्लस बी आ जाएगा, ई प्लस बी साइन 30 दे रखा है, एन 4 हो गया, लेमडा 1 कितना दे रखा है आपको? 5000 दे रखा है, तो 10 की घात -7 हो गया। समझ आ गया? तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ई प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में? ई प्लस बी आ जाएगा। अरे बोल दो तो, ठीक है, तो ई प्लस बी 8 इंटू आ गया कि? अरे 1/2, 4, 5, 10 की घात -7 आ गया, ये ई प्लस बी आ गया। अरे आया कि नहीं आया? ये आपके पास में क्या आ गया? ई प्लस बी आ गया। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स बराबर कैपिटल एन बराबर 2/ई+3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कैपिटल एन बराबर 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? ई प्लस बी आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो एन का वैल्यू आ गया आपके पास में। क्यों? आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि क्यों जरूरत है आपको, क्योंकि अगला वाला सवाल भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स पर सेंटीमीटर डज द ग्रेटिंग हैव, ये भी कर दिया, हाउ मेनी लाइन्स कर दिया अपन ने। फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम फोर्स सच द ग्रेटिंग कैन बी यूज्ड, रिजोल्व द वेवलेंथ, दो वेवलेंथ को रिजोल्व करना है, इसको मतलब रिजोल्यूशन से करना है सवाल को। तो क्या होता है? आर बराबर एन इंटू कैपिटल एन और बराबर लेमडा अपॉन डी लेमडा। तो आपके पास में एन भी है और आपके पास में क्या है? कैपिटल एन भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन डी लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन इंटू कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या निकालना है आपसे? लेमडा अपॉन डी लेमडा ही पूछा है आपसे। अरे लेमडा अपॉन डी लेमडा ही तो पूछा है, ठीक है। एन का वैल्यू कितना हो गया? अरे बोलो, जो भी है निकाल लोगे। एन का वैल्यू कितना है? स्मॉल एन का 4, कैपिटल एन का वैल्यू कितना है? कैपिटल एन का वैल्यू आ गया 5000, ठीक है, 5000। तो ये कितना हो जाएगा? 2 20000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20000। ऐसा कुछ है क्या? 1 मिनट, अच्छा लेमडा 3 और लेमडा 4 का वैल्यू भी तो दे रखा है। 1 मिनट, नहीं, एन इंटू कैपिटल एन से नहीं करना है, दो वेवलेंथ अलग दे रखी है, ये लेमडा 3 लेमडा 4 से दे रखा है। 2 का अंतर करो पहले, ठीक है, सॉरी। तो 2 वेवलेंथ का अंतर कितना हो जाएगा? लेमडा 4 -लेमडा 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? लेमडा, ठीक है। तो लेमडा इनका एवरेज ले लेना। अरे इनका एवरेज ही लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा इनका एवरेज? मतलब लेमडा जो आएगा वो लेमडा 3 और प्लस लेमडा 4/2 आ जाएगा। या तो ऐसे कर दो या 5801 कर दूं क्या? 5801 ही कर दो ना, 5801 के अंदर इसका भाग दे दो, ठीक है। तो 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो 5801/2 कितना आ गया? 2। तो ये आपसे पूछा है 5000 के करीब आ जाएगा। ऐसा ही कुछ आया क्या? 5801/2 कितना आया? 2 2900 आया ना। अरे 2900 नहीं आया क्या? 2900 आया, ठीक है। तो पूछा गया फाइंड आउट द वेदर फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम फॉर सच ए ग्रेटिंग कैन बी यूज टू रिजोल्व द वेवलेंथ, ठीक है। पूछा गया है? तो हाँ है या ना है? फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम फॉर सच ए ग्रेटिंग कैन बी यूज्ड टू रिजोल्व द वेवलेंथ। तो आपका एन इंटू कैपिटल एन कितना आया? ये तो आ रहा है 20000 और ये आ रहा है 5000। एक तो उन दोनों वेवलेंथ के लिए तो अपना आ रहा था अलग, ठीक है, और इनके लिए आ रहा था 2900। सवाल ऐसे ही करना, ठीक है ना, बस सिंपल ही। अगला सवाल देखिए, कर लोगे? सवाल तो समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये तो बहुत अच्छा सा सवाल है वैसे तो। कंसिडर द टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव, कंसिडर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव
प्रोपगेटिंग इन ए वैक्यूम, ये ऐसा कुछ दे रखा है। इवेल्यूट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव, तो सुपरपोजिशन कर लो, ई बराबर ई वन प्लस कितना कर लो, ई टू कर लो, ठीक है कर लोगे ना सुपरपोजिशन, तो कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, और ए कर लो पी बराबर कितना लगा दो, माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी, कर लो पी बराबर कितना लगा दो, माइनस डेल बी अपॉन डेल्टा टी, तो बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है। अब पूछा है यहाँ पर जो भी आएगा कर लोगे, नहीं सवाल तो अब कह रहा है कि फाइंड द टाइम एवरेज एनर्जी, टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी एज वेल एज द टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है ये तो सिंपल है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी यू पूछा है, यू तो पूछा है, ठीक है, तो यू के लिए आप क्या कर दोगे, टाइम एवरेज यू इंटू डी टी कर दो, अरे यू इंटू डी टी कर दो ना, यू इंटू डी टी, और 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक इंटीग्रेट कर देना, अपॉन 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा और इंटू डी टी से इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा, ठीक है ये यू आ जाएगा। अब पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, पहले तो एस बराबर 1 अपॉन μ0 और ई क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है वेक्टर से करना थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ से, इसने कहा है कि एवरेज ऑफ एस निकालो, ठीक है तो ये आ जाएगा 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा और एस इंटू डी टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा और ए डी टी आ जाएगा, ठीक है ये टाइम एवरेज आ जाएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है कर लोगे, अच्छा सवाल है ये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये सवाल तो आपको मेरा बताया हुआ है वैसे तो, ए 150 ओम रजिस्टर, 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 0.1 इंडक्टर, फाइंड द एसी सर्किट है ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फोर बीच द कॉम्बिनेशन, तो आप एलसीआर सर्किट का सवाल है, ठीक है ये सवाल देखो ध्यान से रखना, फेज वेज के चक्कर पूछते हैं यहाँ पर, तो ये पूछ रहा है 150 ओम रजिस्टर लगा दो, 150 ओम, अब ये आप बिना देखे करना पूरा पेपर को, कर लोगे ना कहीं पर भी गड़बड़ थोड़ी ना होगी अब, ठीक है, और इंडक्टर का वैल्यू कितना है 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी, ठीक है, और ये आपका सर्किट हो गया एसी सर्किट है ही, ठीक है, और बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। अब आपको बताइए बी नॉट का वैल्यू यहाँ से निकाल ही लोगे आप, ठीक है आरएमएस से, बी आरएमएस बराबर कितना होता है बी नॉट बाई रूट टू, ठीक है तो यहाँ से बी नॉट निकलेगा क्योंकि इसने आरएमएस वैल्यू दे रखा है 300 √2, समझ में आ गया, पहली बात तो यही होगी। अब इसने पहला जो सवाल पूछा है वो कर लेते हैं, ठीक है एलसीआर सर्किट का सवाल पूछा है, तो जेड बराबर देखिए जेड बराबर कितना, सिंपल देखिए सिंपल आर प्लस 1 अपॉन j ओमेगा c और ए जे ओमेगा एल, ऐसा कुछ, ठीक है तो आर बराबर जेड बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, जेड बराबर हो जाएगा आर, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ जे ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और इससे किया तो -1 अपॉन c आ जाएगा ना, अरे माइनस अच्छा जे ही कॉमन लेना है ना, -1 अपॉन ओमेगा c और प्लस ओमेगा एल हो जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। अबे आपको बताइए ये कह रहा है कि भाई प्योर रेजिस्टिव होना चाहिए, प्योर रेजिस्टिव के लिए ओमेगा एल बराबर कितना होना चाहिए 1 अपॉन ओमेगा c, जेड बराबर आर करने के लिए, ठीक है तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन LC हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन √LC, पहला सवाल हो गया आपका, ठीक है कर लोगे बच्चों, इन इनके अंदर थोड़ा डायमेंशन वायमेंशन का ध्यान रखना, और अभी भी कर लो अभी भी कोई बात नहीं, घर की बात घर में ही है, अभी मामला ज्यादा बाहर नहीं गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि द एसी सोर्स इज ऑपरेटेड एट ए पीक वोल्टेज, ऐसा कुछ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द हाफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट बाई 2 दे रखी है, आपकी जो भी ओमेगा नॉट आए वैल्यू, यहाँ से 1000 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है वैसे, 1000 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 500 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ से। अब आप एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाइड है ठीक है बी बराबर बी नॉट है, आई बराबर बी अपॉन जेड कर दे रहा, आई बराबर क्या कर दोगे बी अपॉन जेड कर देना, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा जो भी है 300 √2 और ई की पावर आयटा जे ओमेगा टी कर दो, इसको ई की पावर जे ओमेगा टी कर दो, ये ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब साइन है तब तो इमेजनरी पार्ट आएगा, कोस है तो रियल पार्ट आएगा, बस बात तो इतनी है ना, ठीक है तो इसको ऐसा करने में ज्यादा आपको सुविधा होगी, सुविधा क्यों होगी आर प्लस जे और ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा c और प्लस ओमेगा एल। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो ताकि इससे फेज वेज भी निकल जाएंगे, इससे क्या निकल जाएंगे फेज निकल जाएंगे, जैसे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा आई बराबर 2 √2 और e की पावर जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस जे आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा जे, ठीक है
तो यहाँ पर इसका मतलब जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई वाले से कर लो, या वन माइनस जे वन प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते, बात एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड बराबर आर ई की पावर आईटा थीटा कर देता हूँ, आर तो वन आ रहा है, समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये आर तो वन है ना, अरे एक्स बराबर आर कोस थीटा, सॉरी एक्स बराबर आर कोस थीटा ही ना, एक्स बराबर आर कोस थीटा बराबर वन, और वाई बराबर आर साइन थीटा, और ये भी कितना आ रहा है, माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस वन, थीटा बराबर आ गया पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर आ जाएगा ना। तो आर का वैल्यू वन है ही, ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वहाँ कॉम्प्लेक्स में भी सवाल आएगा, ये ध्यान रखना, ऐसा आता है। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ गया 2√2e की पावर j ओमेगा t और प्लस पाई बाई फोर, इसका मतलब एक्स्ट्रा फेज कितना हो गया, पाई बाई फोर का हो गया, समझ में आ गया। शुरुआत वाला जो भी अपन लेके चले तो उससे कंपेयर कर लेना, ठीक है, आई बात समझे। इसने क्या पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस से इंडक्टर भी पूछा है, तो फेज तो आ गया पाई बाई फोर का, फेज कितना आया पाई बाई फोर का। इसने कहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताओ, ठीक है, वोल्टेज क्या बताओ, इंडक्टर के अक्रॉस बताओ। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस से आपका वोल्टेज कितना आ जाएगा, जे ओमेगा एल लिखते हैं वैसे तो इसका मतलब ओमेगा इंटू एल लिखना है। अरे कितना लिखना है, ओमेगा इंटू एल लिखना है, तो वो देख लो ओमेगा इंटू एल का वैल्यू कितना आता है, शायद 100 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पूछे तो 1/j ओमेगा c, ठीक, क्या करें क्या, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, हाँ, इंटू करंट, इंटू करंट भाई, करंट का भी मल्टीप्लाई कर देना, तो तभी तो आएगा ये भाई। ओमेगा एल का वैल्यू कितना है, ओमेगा वैल्यू कितना है, 50, 500 है क्या, अरे बोल लो, ओमेगा का वैल्यू 500 ही तो है, 500, और एल का वैल्यू है आपके पास में 0.3, कितना है 0.1, 0.1, करंट का वैल्यू है आपके पास में 2√2, 2√2 है ना करंट का वैल्यू, 2 2 2 ही है ओनली, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया ना, अरे 100 आ तो गया, ये पूछा है करंट का मल्टीप्लाई कर देना, पर इसका ज्यादा ध्यान मत रखना, ये तो फेज निकालने में काम आता है, ठीक है ना, बस ये पेपर।